दोस्तों, स्वागत है आपका खास खबरें आपका अपना न्यूज चैनल। देश और दुनिया की खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और लेटेस्ट खबरें सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को हिट करना न भूले। एटीएम से 1000 निकालने पर दे रहा 5000 रुपए, पैसा निकालने लोगों की लगी भारी भीड़। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एटीएम जरूरत से ज्यादा 5 गुना पैसा दे सकता है, लेकिन सच में ऐसा हुआ है। छत्तीसगढ़ के एक एटीएम सेंटर में यहां जो शख्स पैसा निकाल रहा था, वो एटीएम मशीन से 5 गुना ज्यादा पैसा अपनी जेब में भर रहा था। अगर आप 1000 रुपये निकालते तो एटीएम खुद ब खुद आपको 5000 रुपये देता, भले ही आपके अकाउंट में 1000 रुपये ही क्यों ना हो और मैसेज में आहरण की राशि 1000 रुपये ही उल्लेखित होता। जब एक शख्स ने ऐसा करिश्मा देखा तो हैरान रह गया, उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। इसके बाद तो एटीएम सेंटर में पैसा निकालने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जानिए पूरा मामला। अंबिकापुर के अगरसेन चौक के पास स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम सेंटर में अचानक लोगों की बढ़ती भीड़ देखकर गार्ड समझ नहीं पाया कि आखिर इस भीड़ की वजह क्या है। इस बीच देर रात लोगों की दबी जुबान से गार्ड के कान तक खबर पहुंची कि एटीएम 5 गुना ज्यादा पैसा दे रहा है। अगर कोई 500 रुपये निकाल रहा है तो एटीएम उसे 2500 रुपये दे रहा है। इस खबर की भनक लगते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि इसके पहले कई लोगों मालामाल हो चुके थे, एटीएम में लगा दिया ताला। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस की टीम ने जांच कर एटीएम को सील कर दिया। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधक को इसकी जानकारी दी। वहीं एटीएम संचालक और राइटर कंपनी के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर जांच करने के बाद एटीएम को बंद कर दिया। इस खराबी के दौरान एटीएम से कई लोगों ने लाखों रुपये निकला लिए। एक्सपर्ट ने बताया कि एटीएम में तकनीकी खराबी की वजह से उपभोक्ताओं की मांग से ज्यादा 5 गुना पैसे की निकासी हो रही थी। कारण पता चलने के बाद प्रधान कार्यालय पुणे में इसकी सूचना दी गई। लोगों को नहीं हो रहा था यकीन। अचानक एटीएम से ज्यादा पैसा निकलने की जानकारी मिलने के बाद भी लोगों को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था। जब जयस्तंभ चौक और अगरसेन चौक के बीच में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से सच में जाकर पैसा निकले तो लोग हक्के बक्के रह गए। वहीं 1000 रुपये निकालने के बाद उपभोक्ताओं के मोबाइल पर आए मैसेज में 1000 रुपये आहरण करने का मैसेज आया रहा था, जिसे लोगों ने चुपचाप बिना किसी को बताए निकल गए। भारी गहमागहमी के बाद ग्लोबल फोर्स कंपनी के केयरटेकर अमित कुमार यादव ने बताया कि सूचना मिलने के बाद एटीएम में रुपए डालने वाली राइटर कंपनी के क्षेत्रीय इंचार्ज भी पहुंचे और लेनदेन पूरी तरह से बंद कराकर ताला लगा दिया। एटीएम मशीन में आई तकनीकी खराबी से 5 गुना अधिक राशि मिलने की जानकारी बैंक के अधिवक्ता से मिली थी, जिसकी तत्काल कोतवाली पुलिस और एटीएम में रुपये डालने वाली कंपनी को इससे अवगत कराया। अभी तक की जांच में 1.32 लाख की रिकवरी की जानी है। कस्टमर से रिकवरी राशि नहीं मिलने पर ठेका कंपनी भरपाई करेगी।